हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ जिमनेस। आज हम ग्राइंडिंग मशीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ग्राइंडिंग मशीन मतलब क्या है? एक ऐसी मशीन जिसको हम वर्कपीस को सरफेस फिनिश के लिए यूज़ करते हैं। इसके वजह से हमें एक्यूरेसी वर्कपीस की मिलनी चाहिए, शेप्स, साइज। जनरली हम कटिंग टूल्स को हम ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में, फिर उसकी फिनिशिंग इंक्रीजिंग करने के लिए। जैसे हम जनरली एमरी पेपर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ग्राइंडर्स बहुत तरीके के होते हैं, ग्राइंडिंग मशीन्स। जनरली हम सरफेस ग्राइंडर और बेंच ग्राइंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। जैसे सबसे पहले बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टेबल पे माउंटेड होता है फिक्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके अंदर क्या होता है, एक बेस होता है। ये बेस के ऊपर एक मोटर फिक्स करी होती है। मोटर के दोनों बाजू बाजू स्पिंडल होता है, मतलब बीच का शाफ्ट होता है, जिसके आजू बाजू उसको एक्सटेंड कर दिया गया होता है। और दोनों बाजू ग्राइंडिंग व्हील लगाए गए होते हैं। एक साइड होता है हाई ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील और एक साइड होता है लो ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील, मतलब कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन वाला। कोर्स ग्रेन मतलब कैसा? एब्रेसिव व्हील होता है। एब्रेसिव व्हील मतलब ग्राइंडिंग व्हीलज। सरफेस फिनिश अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम फाइन ग्रेन कर लेते हैं। इसके अंदर ग्रेन साइज होती है वो कम होती है, जिसके से हमें सरफेस फिनिश ज़्यादा अच्छी मिलती है, स्मूथ। और कोर्स ग्रेन में इतनी नहीं मिलती, थोड़ी रफ मिलती है। अगर हमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा रिमूव करना है तो हम पहले कोर्स ग्रेन लेते हैं, उसके बाद फाइन ग्रेन से हम उसे फिनिशिंग कर दिया जाता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रोटेट होता है। जैसे मशीन को, मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दी गई होती है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है। इसके ऊपर एक सेल भी लगाया गया होता है, जिसे हम आईसेट बोलते हैं। जनरली ये क्यों यूज़ हुआ होता है कि जो हम जैसे ही वर्कपीस कांटेक्ट में आता है फाइन ग्रेन या कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील के या एब्रेसिव व्हील के, उससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। उस स्पार्क की वजह से हमें डैमेज ना हो या हमारी आइस को डैमेज ना हो देखती करें, इसके वजह से हम आईसील लगाए गए होते हैं। ये जनरली पूरा कवर्ड ही होता है और थोड़ा बहुत ओपनिंग दिया गया होता है जहाँ से हम यूज़ करते हैं केजिंग के अंदर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्रंट साइड से थोड़ा बहुत ओपन होता है वो, आगे बाकी आजू बाजू से ये पूरा पैक होता है। अगर लॉन्ग टाइम यूज़ के बाद अगर ग्राइंडिंग व्हील्स ख़राब हो जाते हैं तो उसे बदल भी देते हैं। उसके ऊपर टूल ड्रिल लगाई होती है, ये हुक प्रोवाइड किया गया होता है बीच में या दोनों आजू बाजू भी होता है। उसके ऊपर हम जनरली कूलेंट या वाटर की एक डोल लगा देते हैं या टैंक लगा देते हैं। जैसे कि हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अगर हमारा टूल गर्म हो गया है तो उसे हम ठंडा कर रहे हैं, इसके लिए हम उस पर टूल ट्रे में कूलेंट या कुछ भी लगा। थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए।